बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? तो आप देख रहे होंगे मैंने अपनी साइकिल की सफाई वगैरह कर रहा था और कुछ सामान बांध रहा था उसके ऊपर। तो मैं जा रहा हूँ आज पहाड़ पे, तो मैंने कहा एक इधर पहाड़ी पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पर, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँगा और ख़ुद भी चक्कर लगा लूँगा। तो चलो आइए देखते हैं क्या सीन है और क्या चक्कर है। ये व्यूअर जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। तो मैं जिधर जा रहा हूँ ये कुछ साइकिल पे जा रहा हूँ, तो तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है इधर से मेरे घर से। तो चलो देखते हैं मज़ीद आगे क्या सीन है और क्या मज़े मिलेंगे। तो आइए। उसके बाद मैं सुबह निकला था जिधर मैंने जाना था, अभी जिधर मैं अभी जा रहा हूँ, तो वो अचानक मौसम बदल गया था, थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा। तो एक घंटा डेढ़ आराम किया सोया मैं, तो वैसे ही आँख खुल गई थी, बाहर निकला हूँ तो देखा मौसम इस तरह बहुत ही खूबसूरत, यानी कि अभी भी बादल है मगर बारिश का कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा आज तो जाना जाना है, तो अभी उठा हूँ दस्ती मुँह हाथ धो के तो निकल बैठा हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे क्या सीन है। व्यूअर्स, तो आप लोग ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे याद है कि किसी दौर में इधर एक फैक्ट्री थी इंजीनियरिंग की, तो तकरीबन 1.5 साल तक मैंने ये रास्ता साइकिल का, यानी कि इस रास्ते पे आया गया हूँ, तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है ये। तो खैर वो भी दिन थे गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने भी अपनी गाड़ी दे दी। तो अभी मैंने इधर से नीचे उतरना है फिर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है, तो चलो मिलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मैं इस मोड़ से चढ़ा हूँ, तो ये मेरे सामने मेन रोड है, तो ये आप सामने पहाड़ वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह आप देखें तो ये चढ़ाई आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने चढ़नी है और ये जो मेरी सवारी है। गाड़ी पे भी मैं आ सकता था, तो मैंने सोचा यार अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो गया तो मैं ज़्यादातर पहाड़ी पे जाना, यानी कि जो नज़दीक नज़दीक होता है साइकिल पे ही कोशिश करता हूँ चला जाऊँ, क्योंकि साइकिल पर जाने का एक अलग मज़ा होता है। तो इस पे मैंने लोकेशन सेट किए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा पानी वगैरह मैं पी लेता हूँ, तो मिलते हैं आगे, मिलते हैं क्या मिलता है देखने को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर कुछ ख़ास नहीं मिलता तो फिर मेन पॉइंट में मिलेंगे जहाँ पर मैंने जाना है। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो वो नीचे से मैं आया हूँ और ये मज़ीद 3 किलोमीटर मैंने ऊपर जाना है। तो खैर मैं अपने लिए भी निकला था, तो मैंने कहा वैसे भी चलो जा रहा हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा व्यूअर्स के लिए। तो अभी मज़ीद आगे जाते हैं और लास्ट पॉइंट में मिलते हैं क्या सीन है, क्योंकि मैं बार बार रुकता हूँ क्योंकि मुझे सांस बहुत चढ़ जाती है अभी, तो जिसकी वजह से काफ़ी अर्सा हो गया मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा, तकरीबन लास्ट 1 ईयर से। तो अभी थोड़ा सा जो सा सांस को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अभी मज़ीद लास्ट पॉइंट में जिधर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ही मिलेंगे। तो कोशिश करूँगा व्लॉग जो व्लॉग में एक थोड़ी सी वीडियो ड्रोन के साथ भी डाइट कर लूँ आप। I'm not afraid to die.
वंगा चढ़ा लो कुड़िया, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़िया, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़िया। ओके व्यूअर्स, तो आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूं, अच्छी जगह और अच्छे जो मेरी लाइफ की जो मसरूफियात है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान, मेरी तरफ़ से सबको सलाम, सलाम अलैकुम।